करना फकीर फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का हमारे चैनल और पेज पर। और दोबारा से हम सवाल जवाब लेकर हाजिर हो गए हैं आपके सामने। आप कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं, दो प्रश्न आज मैं उठाऊंगी और दो वीडियो ही बनाऊंगी क्योंकि लेंथ ज्यादा हो जाती है वीडियो की। तो पहला वीडियो जो है अभी करना फकीरी गाने पर है, आपके ही व्यूवर्स ने पूछा है। करना फकीरी गाना जो है एक फक्कड़पन से निकला हुआ है और आपके ही दर्शक पूछ रहे हैं कि उस गाने के बारे में वो जानना चाहते हैं। जैसे आपने बताया था अपने गीत अभी पिछले जो हमारी बात हुई थी वो कम से कम नहीं है, लाखों व्यूज उसके आ गए हैं। बड़े घर की बेटी का ही आपका गीत था, राम जी के ऊपर का था। कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, उसी वीडियो में इन लोगों ने कमेंट करके पूछा है, मतलब आपकी ऑनलाइन फैमिली ने पूछा है कि करना फकीरी गाना जो है माँ के ऊपर भी है, उसमें आपने तीन फेस दे रखे हैं, है ना। ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी, चलते हैं आपके पास। आप ही बताइए कि किस तरीके से, क्या उसका जो था सिचुएशन आपको दी गई थी या वो पहले से लिखित गाना था या नहीं? नहीं, लिखित नहीं था जी। सिचुएशन दी गई थी और ये टुकड़ा करना फकीरी जी, तो जब मुझे दिया गया क्योंकि वो घर से निकल पड़ते हैं जो ऐसी सिचुएशन है, बहुत पहले लिखा था जी, आज थोड़ा ही लिखा है ये गाना, तो 89 का है आपका। हाँ, और ये मंच पे कभी सम्मेलनों में आज भी आपके मंच पे जो वीडियोस है ना, लोग उनको डालते हैं। और मंच पे जो आपने गाना है शॉर्ट्स रील, ये ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग चल रहा है। हाँ, एक कवि है फरीदाबाद के, वो मेरे साथ पटना में थे। अच्छा। हाँ, तो वो संचालन भी करते हैं, तो वो तो बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि जब मैं पढ़ रहा था पटना में तो वो पीछे तीन फकीर बल्कि और भी ज्यादा और वो डांस कर रहे थे। अच्छा, इस गाने में करना फकीर, वही तो लोगों ने पूछा है कि ये जो गीत है करना तो फकीर। मेरे अंदर जो भावना इसमें से निकली वो ये है कि एक तो जीवन जो है एक क्षण भंगुर है, इस जीवन को हमने जैसा हम जीना चाहते हैं कभी कभी वैसा नहीं जी पाते, लेकिन उसे हम कोशिश करके जी लेते हैं, ये एक चीज है जीवन में। तो इसके अंदर जब वो घर से निकल पड़ते हैं दोनों मियां बीवी तो बेचारों को काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं, और उसी बीच में जो मतलब पारखी लोग होते हैं किसी भी चीज के पारखी, जैसे हम हमको ही ले गए थे, सही बात है, उससे बड़ा अच्छा ले गए। और हम तो नाशुक्रे लोग नहीं है, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं हाँ भाई, अगर व्यास जी नहीं होते तो हम मंच पे नहीं आते। अच्छा, मंच पे ले जाने में व्यास अंकल का हाथ। अरे, उन्होंने अपने घर रखा पुत्र की तरह जी, तो उसी तरह से। और मनोज कुमार जी फिल्मों में हमें तो घर से लेके गए थे, होते तो ऐसे ही उन्हें पारखी मिले थे उन दोनों मियां उन दोनों को। तो ये गीत जो है कई सिचुएशन पे निकलता है। अच्छा, है ना। पहला पहला तो वही था, कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी में। हाँ, तो इस तरह से। दूसरा था माँ पे, से अच्छा कुछ ना होता, माँ तो ही परमेश्वर है, माँ से अच्छा कुछ तो, लोग इतना माँ से लिख रहे हैं। हाँ। और मेरा ख्याल है बाकी सेवा भी लिख लेकिन मैंने तो ये दो लाइन लिखी। माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है, हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी ज्योत उजागर है, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा जी,
कोई दिन भैया ना, कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता जी। ये जो मीटर बनाया है ये मैंने लक्ष्मी कांत प्यारे लाल ने के कहने से मीटर बना। अच्छा, मतलब उनका इसमें सहयोग था। नहीं तो एंड, अरे ये तो गीतकार संगीतकार का जब तक सुर नहीं मिलेगा तब तक सुरीला गीत बनेगा ही नहीं। और ये डैडी फिल्मों में तो चला ही चला, साथ में मंच पे बड़ा ये लोकप्रिय है आपका गीत। अरे है। पहले अब मैं वहां से आया, आपकी वॉइस पे लोग, मतलब आपकी आवाज पे लोग शॉर्ट्स बनाते हैं इस गीत पर। अच्छा, छोटे छोटे जो छोटे एक एक मिनट के जो चल रहे हैं बेटे, मुझे तो पता नहीं आपके भी बनाते हैं। हाँ, मैं तो अपना काम में लगा रहता हूँ। तो ये और देखो, आदमी बड़े से बड़ा हो जाए घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ भी पाए गर्व, कुछ भी पाए गर्व मत करियो। दुनिया आनी जानी है तेरे साथ, जहां से तेरी परछाई भी जानी है। और सबको अपना प्यार बांटना, मीठा बोल बोल राजी। कोई दिन मेला ना, कोई दिन अकेला, कोई दिन खत्म झमेला। सही बात है, सच्चाई है जीवन का। वैसे अगर छोटी सी समरी देखी जाए तो यही बात है, कुछ किसी का नहीं है। नहीं कुछ नहीं बेटे, ये स्वार्थ जो है बहुत बड़ी चीज है। और मैंने निस्वार्थ जीवन जिया है। जबकि देखो मेरे तो संघर्ष ही रहे बचपन से, जैसे जवानी आई तो टांग टूट गई। फिर पढ़ाई में संघर्ष, पैसे नहीं थे किताब खरीदने के उस टाइम भी हम, लेकिन मैंने किसी से पैसे लेके और पढ़ाई आगे बढ़ाई। और जब नौकरी लग गई तो पहली तनख्वाह उसका उतार के आया। तो ये आज भी संवेदना है मेरे अंदर, किसी का दर्द मैं देख नहीं सकता। हाँ सही बात है, अगर किसी का कुछ कर्ज लिया है तो उतार जरूर देना चाहिए, अगर समर्थ हो जाते हैं हम। आप जो है, और आप ये जो समय आया है, मतलब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु मेरी क्यों परीक्षा लेता है। ऐसे ये राजेश खन्ना का वाक्य मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे, वो मेरे से बोलते थे कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है संतोष। अरे भाई क्या ज्यादा जब स्टारडम हो जाता है, क्या कोई नजर नहीं लग जाती है? हाँ नजर क्या, गलतियां होती हैं आदमी से, कोई जीवन में जो आता है वो गलती करा देता है। अब मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, आज वो है भी नहीं और मैं अपने बारे में भी नहीं कहूंगा। मैंने तो गलती की नहीं, राज अलाहाबादी का शेर है, उसकी आखिरी लाइन है कि मुझे तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है, मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाए ये राह मुझको, जिन्हें कुछ अपना पता नहीं। ये राज अलाहाबादी थे, तो हम छोटे छोटे थे, सिकंदराबाद आते थे घुसा, तो मैं इन बारीकियों को पकड़ता था, आदत थी। आदत थी, हाँ सही बात है, ऐसे ही। लेकिन जो काम करता था मनोयोग से, तभी तो वो काम आज तक है, अमर हो गया सारा का सारा। नहीं, काम। मैंने तो वहां कहा भी, मैंने साहब औरों से तो मैंने कम ही काम किया है, कह जी इस बात को छोड़ो जो किया है। हाँ वो मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वो सच्चाई बोलने में मुझे कहीं कोई हो रही है, क्योंकि मुझे कभी सम्मेलन भी करने होते थे, घर भी देखना, मुझे नौकरी भी करनी होती थी, घर भी देखना, क्योंकि पेंशन वाली नौकरी थी। बहुत संघर्ष किया था ना, तो अब भी जारी है संघर्ष तो। अरे अभी भी, अब तो बेहद भारी संघर्ष है, खैर अब भी जारी है संघर्ष। अरे अब तो इतना के अब जैसे उम्र हो गई है, चलने फिरने में दिक्कत है,
तो 100 तरह की खामियां निकालेंगे जो नए आ गए। अच्छा वो कभी नहीं घुसपैठी है, घुस गए क्योंकि पैसा जहाँ होता है वहाँ आदमी घुस जाता है। बिल्कुल, तो आज भी इस गीत की मां डिमांड होती है मंच पर। अरे मैं कह तो रहा हूँ, इस बार मैं हाथरस में सुना नहीं पाया ये गीत, बोले के अब क्या हो? मैंने कहा यार अब जो है मेरी उम्र भी हो गई है। हाँ तो और इतना, लेकिन बोले नहीं चाहे शक्ल दिखाने आ जाना और ये गीत जरूर पढ़ना। आज रह गया है करना फकीर, अभी तो था पीछे। हाँ तो वो लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत करता हूँ। सभी प्यार करते हैं, जो देख रहे हैं वो भी बेहद प्यार करते हैं। अब ये रोज लिख के भेज रहे हैं कि आप कुछ नया लिखो, अब जल्दी आप कुछ लिखो, तो उसको रिकॉर्ड करा के इनको सामने लेके आए, ये कह रहे हैं लिखो नहीं, लिखो, नहीं, लिखो। देखो मेरे सामने बहुत सारे लोग आते हैं, अब फिल्म के लिए मैं वहां जाऊं, दो आदमी तो मुझे, अब मैं गया था ये अवार्ड लेने लाइफ टाइम का, जी जी, और रफी साहब का मुझे मिला, और कितना उसका अच्छा वो रहा रेस्पॉन्स, उसने बड़ा प्यार। तो वहां पर जो है, बल्कि पीयूष गोयल जी जो मंत्री है और बहुत बड़े नेता है, मेरे बहुत चाहने वाले, बहुत पुराने पुराने, तो उससे बोले रफी साहब ने आपका कोई गीत गाया, क्योंकि जो उनके गीत थे और महेंद्र कपूर के एक से होते थे। हाँ जी। लेकिन देखिए प्रभु ने जिनका मैं दीवाना था, प्रभु ने मेरी लाज रख ली, जाते जाते गा गए, और जो मेरे अंदर खुददारी है, मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुद दलीप कुमार के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ ये, और रफी साहब ने हालात लिया, और रफी साहब लक्ष्मी प्यारे को बहुत प्यार करते हैं उन्होंने, और उनके लिए लक्ष्मी जी प्यारे जी दोनों लग जाते, और मेरे लिए दोनों लक्ष्मी प्यारे।